यूपी के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद का अंत हो गया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर कल प्रयागराज में 3 हमलावरों ने गोली चला दी और मौके पर ही दोनों भाई की मौत हो गई, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं यूपी पुलिस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में हत्या कैसे हो गई। घटना के फौरन ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तलब कर लिया। उसके बाद से ही मामला जो है वो गरमाया हुआ है। 17 पुलिस वालों पर गाज भी गिर गई, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी पुलिस उच्च स्तरीय जांच में कई बड़े खुलासे भी कर रही है। दरअसल जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई पर हमला किया है, उसकी पूरी जानकारी यूपी पुलिस को मिल गई है। इन आरोपियों की जानकारी मिलने के बाद कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस को पूछताछ में ये पता चला है कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाला लौलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है। वहीं तीसरा आरोपी सनी कासगंज जनपद से है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना पता जो है वो सही बताया है और अब उसी पते पर पहुंचकर पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं जब मीडिया वालों ने बांदा में रहने वाले लौलेश तिवारी के पिता से बातचीत की, तो उन्होंने लौलेश के बारे में कई गहरे राज खोल दिए। सुनिए क्या कुछ कहा पिता ने, उसके बाद भाई विनीत तिवारी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके के संबंध उसके भाई के साथ थे और इससे पहले उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके बारे में उसने भी जानकारी दी है, वो भी आपको बताएंगे। लौलेश कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लौलेश का नाम बताया जा रहा है? टीवी में देखा। कैसा है ये लौलेश और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है, न हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज, 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोल चाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, इसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे, एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसी चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है। हाँ। नशेड़ी आदमी, इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन है ये? 4 है। बहन नहीं है? ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साफ मिलता? छोटा टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम, कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे उसने? कहने लायक क्या है, सब ढंग के हमारे पास कुछ कोई मतलब गजने तो हम कहा बताए कि किसी संगत थी, कौन सा था। तो सुना आपने लौलेश तिवारी के पिता को, जो ये बता रहे हैं कि वो नशे का आदी था, इससे पहले भी जेल जा चुका है, उसने पढ़ाई जो है वो आधे में ही छोड़ दी है। इसके साथ ही तमाम खुलासे हो रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि वो बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था। वहीं भाई ने भी यही कहा है, उसका कहना है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो नशे का आदी है, पहले भी जेल जा चुका है। एक लड़की को थप्पड़ मारने के बाद उससे जेल हुई थी और वहां से निकलने के बाद उसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की और उसके बाद से ही
वो अपने मर्जी का मालिक है। क्या कुछ भाई ने खुलासे किए हैं वो भी आप सुन सकते हैं। वेद कुमार तिवारी, लॉरेंस कौन है आपके? बड़े भाई हैं। बड़े भाई, तो क्यों किया उन्होंने ये आपको मालूम? सर कुछ नहीं पता हमें। क्यों, घर में नहीं रहते थे क्या यहाँ? सर हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था, वो कब आए कब जाए कुछ मतलब नहीं था। घर पे आता था, खाना खाता था, फिर निकल जाता था। कब गए यहाँ से? एक हफ्ते हो गया। आप यहाँ क्या करते हो? सर मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मेरा बीए फर्स्ट ईयर है। फैमिली भी रहती है साथ में, परिवार? हाँ सर, मम्मी पापा। मम्मी पापा वो डिप्रेस है। ये कब से यहाँ से गायब है? एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ते पहले आया था यहाँ पर, क्या नशे का भी आती था क्या? हाँ सर करता था। इसके पहले भी कभी कोई घटना ऐसा कुछ काम किया नहीं? नहीं सर। कभी जेल वगैरह गए? जेल तो सर गया था, बट फिर निकल आया था। किस मामले में? सर थोड़ा थप्पड़ मार दिया था एक लड़की के, डेढ़ साल समथिंग रहा है, फिर उसके बाद तीन चार साल बाद निकल आया। तीन चार साल हो गए इस मैटर को। कब गया था जेल? काफी हो गए सर, दो तीन साल तो हो ही गए। किसी संगठन से भी जुड़ा था? नहीं सर। आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि लवलेस ने वहां पर, कब मालूम हुआ? सर कल मैं न्यूज देख रहा था, तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ। हाँ। सुबह मुझे पापा ने, मैं सो रहा था, पापा ने उठाया था, तो पापा ने कहा था कि लवलेस ही है, तो मैंने देखा तो मुझे बिलीव हुआ।